अब हम जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा सिटिंग स्टैच्यू है। इसको बनाया गया है चिन्ना जीयर ट्रस्ट से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं दूसरा व्लॉग शूट करने के लिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये हैदराबाद से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये देखिए, चलो आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे इसको। ये पूरा 45 एकड़ में फैला हुआ है। तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये पूरा पार्किंग एरिया है। यहाँ पे हमने भी गाड़ी पार्क की और आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए आप, इतना ज़्यादा बड़ा जगह सिर्फ पार्किंग के लिए है यहाँ पे। ये देखिए हमारे छोटी भाई। जो स्टैचू देख रहे हैं आप, ये स्टैचू है श्री रामानुजाचार्य आचार्य जी का। इसकी ऊंचाई 216 फीट है। ये वर्ल्ड का सेकंड सिटिंग स्टैचू है जो इतना टेलिस्ट है। रामानुज जी का जन्म तमिलनाडु के श्री परमदूर में हुआ था। इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया है। का नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों रखे मालूम है? क्योंकि श्री रामानुजाचार्य जो थे वो सबको इक्वल समझते थे। यहाँ का सबसे स्पेशल ये वाटर फाउंटेन है जो दिन में 4 बार चलाया जाता है। इसकी टाइमिंग स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, हम अंदर जाने से पहले जो स्टार्ट हो गया ये। इसकी खासियत ये है कि ये म्यूज़िक के साथ वर्क करता। इसका कंस्ट्रक्शन का काम मई 2014 में स्टार्ट किया गया था श्री रामानुजा आचार्य जी के 1000वें जन्मदिन पर, और इसका इनॉग्रेशन 2022 5 फरवरी को किया गया था। अब अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है, हम लोग आप फ़ोन रख दे के जा रहे हैं, आगे बताएंगे कैसा है क्या है सर। ठीक है, जाओ तुम टिकट ले लो पहले। तो फ्रेंड यहाँ पे टिकट जो है 200 रुपये की टिकट है। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है तो हम लोग फ़ोन रख दे के जा रहे हैं, फिर भी कोशिश करेंगे कि अंदर जितना हो सके आपको बता सकें। ये देखो, मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, नहीं तो 5000 फाइन मार देते। यहाँ एक और कंडीशन है, जीन्स टी शर्ट और लड़कियाँ स्कर्ट्स पहन के नहीं आ सकते कहते। ये सामने टिकट काउंटर है और यहाँ साइड में मोबाइल जमा करके जाना पड़ता अंदर। यहाँ से लाइन में जाना पड़ता, छुप छुप के वीडियो भी ले लेंगे अपन। ये वो वाटर फाउंटेन जो बाहर से देखे थे अपन, करीब से भी देखिए। यहाँ से अब साइड में जो 108 मंदिर है स्टैचू के अराउंड, वो देख लेंगे पहले। ये जो ब्लैक पिलर देख रहे हैं आप, ये पूरे 468 पिलर है, राजस्थान से लाए हुए ब्लैक मार्बल। ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, यहीं से अपन को ऊपर जाना है स्टैचू के करीब। ये देख सकते कितना क्राउड है यहाँ पे, वीकेंड पे है तो इतना ही क्राउड रहता हमेशा। स्टैचू के नीचे ये हाथी है पूरे राउंड, इनके सूंड में से पानी भी आता, उसकी भी अलग टाइमिंग है। अब आ गए हम सबसे मेन जगह, यहाँ रामानुज जी की सोने की मूर्ति है जो 120 किलो सोने से बनाई गई है। ये डोर ओपन होते ही अंदर जाना होगा। अब यहाँ मोबाइल ले जाना तो इम्पॉसिबल है, तो हम अंदर का तो सीन नहीं दिखा सकते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छी जगह को अगर एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।